चिकन कभी बनाने हैं, पहली बार बन रहा है। ये मसाले मैं तैयार करके रख ली हूँ। ये आज मैं रेडीमेड मसाले से सिर्फ खाना बना सब्जी बना रही हूँ। तो ये मैं पानी में घोल कर रख ली हूँ। ये थोड़े से सूखे मसाले हैं, इसमें मीट मसाला, धनिया जीरा और थोड़ा सा मैं लाल कश्मीरी लाल मिर्च डाल कर रखी हूँ। और ये है इसमें धनिया जीरा बोल रही हूँ, लहसुन अदरक और प्याज, टमाटर का पेस्ट है इसमें, इसे मैं पीस के ले ली हूँ। साथ में गर्म मसाला भी मैं पीस दी हूँ, तो मैं इसी में पीसती हूँ। मेरा सारा जार खराब हो गया, यही एक बचा हुआ है, तो मैं इसी में पीसती हूँ, पिसा जाता है। और मैं बना रही हूँ आज चिकन, बहुत ज़्यादा चिकन है, इसे मैरिनेट करके मैं रखी हुई थी आधे घंटे से। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ थोड़े मसाले, नमक वगैरह ये मैं सारा जमा करके रख ली हूँ और अब बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। हेलो, वेलकम टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। तो मैं चिकन बना रही हूँ, पहली बार मैं इतना सारा चिकन बना रही हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं बनाई थी इतना सारा चिकन। तो ये चिकन मुझे बनाना है, बना के इतना सारा चिकन हम तीन जन के लिए नहीं है, और लोगों के लिए भी है। तो ये चिकन मैं बना के कहीं लेके जाने वाली हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ ये आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पता चल जाएगा। तो मैं बनाती हूँ और पूरा रेसिपी शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। इतना सारा चिकन हम लग रहा है, इतना सारा चिकन कभी बना नहीं है, पहली बार बन रहा है। लग रहा है मसाला अलग से भूनना पड़ेगा, इसलिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं अलग से मसाला भूनती हूँ। उसका जब इधर चिकन भी भून जाएगा, मसाला भी भून जाएगा, तो मैं मिक्स कर दूंगी। एक मैं दूसरा में मसाला भूनती हूँ, क्योंकि उसमें नहीं आएगा, वो काफी बड़ा हो गया है, तो मसाला ऐड कर देती हूँ। तो भून भून के पूरा अच्छे से तेल छोड़ने के लिए भूनना है। मसाला भून गया, मैं इसे डाल देती हूँ इसमें। इसमें लगा हुआ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के संभाल के मैं डाल देती हूँ। मसाला है इसमें, इसमें नमक डाल देते हैं। जार खंगाल के पानी भी है थोड़ा सा, तो मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का आंच में पकने के लिए देंगे तो अच्छा से पक जाएगा अंदर तक। खाली अभी खाएंगे, घर में अमरूद खाती भी नहीं है, एक दो पीस खाली काट के रख दिए थे, छोड़ दिए ये। अब इसी में मैं भी काट लेती हूँ, मैं भी तरस करके नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता उश्ता करके फिर मैं मेरा तब तक वो चिकन भी बन जाएगा। उसके बाद नहा वहा के अपना चले जाऊंगी मैं। थोड़ा 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 कच्चा में ही इसको तोड़ना पड़ता है, मतलब वैसे कच्चा भी नहीं है, तो एकदम गीला नहीं हुआ है, नहीं तो कीड़ा हो जाता है बारिश का दिन में। फटाफट से ब्रश कर लेते हैं। मैं फ्रूट खा लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छा लगता है, काला नमक डाल के खाने के लिए। लाइट भी चला गया है, गर्मी लग रहा है बहुत, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, पेट में भी गिर रहा है। हम तैयार हो गए हैं, मैं नहा ली हूँ, मेरा बाल बहुत गीला है अभी,
फिर भी मैं नहा के जा रही हूँ, पानी चूरा अभी जस्ट मैं नहा के निकल ही रही हूँ, तो मेरा खाना वाना सब बन गया है, मैं लेके जा रही हूँ। अब आप भी सोच रहे होंगे कहाँ लेके जा रही हूँ मैं इतना सारा खाना बना के। नॉर्मली लोग जाते हैं जब भी किसी के यहाँ, तो वहाँ जिसके यहाँ जाते हैं गेस्ट एज ए गेस्ट, वो खाना बना के खिलाते हैं, और मैं खाना लेके जा रही हूँ किसी के यहाँ पे। आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ खाना बना के, और मैं क्या क्या बनाई हूँ ये बात बताएंगे। ठीक है कि राज को राजी रहने दिया जाए, अभी ना खोला जाए, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आपको पता चल जाएगा, मजा आएगा आपको आगे देखने में कि आखिर क्या क्या है, क्या मैं बना के लेके जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, है ना। तो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि काफी देर हो गया है, और मन्नू भी तैयार हो गया, मुस्कान तैयार है, मन्नू तैयार, बस मैं ही बाकी हूँ, मेरा भी हो गया है, बस ऐसे ही मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा बाल गीला है। तो दरवाजा से बंद करो, बंद हो गया है, चलो मेरा ही लेट हो रहा है, सब करते करते लेट हो ही जाता है, कोई नहीं, आपसे आगे मिलते हैं। उसमें बने करेगा उजला ना जाए, छोटा है बेलना, मिठाई बेलना तो छोटा होगा, बेलना बेलना तो छोटा होगा, छोटा जैसे गिर जाएगा तो चलो वो चावल अपने आप सिर जाता है उसके बाद। खोपा को भी खोल दो, मम्मी बने चुड़ा बच्चे खाना वाना खा के चले गए हैं, और हम लोग बचे हुए हैं, और भैया को दे दिए हैं खाने के लिए, वो बैठ के खा रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ, मैं अपनी माँ के यहाँ आई हूँ। एक्चुअली 2 दिन पहले मैं यहाँ आई थी, तो सब डिसाइड हुआ था कि आज के दिन हमारा छुट्टी है, तो सब एक साथ मिल के बैठ के बनाते हैं, खाते हैं, तो वही डिसाइड हुआ था कि पुलाव और चिकन बनाने का। तो मैं बोली थी कि मैं चिकन अपने घर से ही बना के लेके आ जाऊँगी, बाकी जो भी बनाना है वो यहीं पे आके बनाऊंगी, तो वही डिसाइड हुआ था। तो मैं वही चिकन में बना के लेके आ गई घर से, और थोड़ा मेरा लेट हो गया यहाँ पहुँचने में, तो माँ पुलाव बनाने में लेट हो जाएगा, कब आएगी कब बनाएगी ये सोच के माँ चावल मतलब तो भात ही बना दी। तो क्या कर सकते हैं, भात बना दी तो उसी के साथ ही खा लेंगे। और भाभी और दीदी भी वो लोग को शायद कपड़े मतलब बारिश होने जैसा लग रहा है, तो वो लोग कपड़े लेने, दीदी तो चली गई है, भाभी अभी जाएगी शायद कपड़ा लेने के लिए। और मैं निकाल रही हूँ चिकन, थोड़ा ग्रेवी कम हो गया है क्योंकि पुलाव के हिसाब से बनाई थी ना, तो कम हो गया है, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा, चिकन तो सबके साथ अच्छा लगता है। और ये देखिए बारिश हमारी शुरू हो गया है, और दीदी और भाभी दोनों भाग कर चले गए हैं छत में कपड़े लेने के लिए, और मैं यहाँ खाना निकाल कर खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ उनके आने का। और हमारा खाना वाना हो गया है, और मैं माँ के साथ छत में जा रही हूँ क्योंकि बच्चे भी छत में ही हैं, और यहाँ थोड़ा सा पानी घुस गया है बारिश वाला झटा से, पानी पानी में देखिए पूरा गीला है, कम डेंजर है, कबूतर वहाँ बैठा है, तो अरे उड़ गया बैठा हुआ था, तुम लोग बताओ चिकन कैसा लगा, जल्दी बताओ ना, मार मार करेंगे मार मार के पूछेंगे हम लोग सर, मेरे पास है, बताओ 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 कितना बड़े बड़े छोटा बच्चा से पूछो पहले, पहले हाय बोलो, हाय बोलो पहले, हाय
रहा है, बता रहा है उसको बताने दो। चिकन कैसा लगा बताओ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तुम रुद्राज पहले हाथ बोलने का प्लान करेंगे, जूस खाए पहले। नमस्ते। अबे तो यहाँ बच्चे पहुँच गए हैं खेलने के लिए, मस्ती कर रहे हैं। ये लोग जब भी पहुँचते हैं, मतलब एक जगह मिल जाते हैं ना, तो इन लोग ऐसे ही मस्ती चलता रहता है खूब। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।